तो गाइज ये हमारे पास आईसीएसई की कौन साइंस मैथमेटिक्स है, सेलिना वालों की। ओके, तो ई क्लास 10th की है। तो इसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग करेंगे हम। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट हमारा जीएसटी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अब आपके लिए हम चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं, क्योंकि जो हमारी प्रीवियस वीडियो है इस पर वो ओल्ड हो चुकी है, ओल्ड बुक से बनी हुई है, इसलिए हम इस पर नया लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। अब हम पढ़ेंगे इसमें बैंकिंग। ओके, बैंकिंग में हमें मेनली क्या पढ़ना है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पढ़ना है, इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने और कुछ नहीं करना है। ओके, बैंकिंग एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, बैंकिंग एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने पास लोगों का पैसा रखती है और उसी पैसे को दूसरे लोगों को क्या कर देती है, इंटरेस्ट पर दे देती है। इससे क्या होता है कि वो लोगों का पैसा रखती है और फिर लोगों को क्या करती है, इंटरेस्ट के साथ वापस भी देती है। तो इस बैंकिंग के पास वो क्या कहता है, इस बैंक के पास जो हमारा इंटरेस्ट आता है वो कहाँ से होता है, तो वो कहाँ से अपनी इनकम कहाँ से करती है, बैंक की इनकम कहाँ से होती है कि वो लोगों को जिनको भी रिक्वायरमेंट होती है उन्हें लोन देती है और लोन से हाई रेट क्या करती है वहाँ पर लेती है, हाई रेट पर मतलब पैसा देती है बंदों को और उससे हाई रेट चार्ज करती है। तो तब उसे बैंकिंग में क्या होता है, हमें इसे बेनिफिट होता है, इसकी इनकम जो होती है बैंक की वो क्या होती है, लोगों को पैसा देने से होती है। तो इस तरीके से बैंकिंग का सिस्टम चलता है और बैंकिंग के और भी अदर सर्विसेज होती हैं कि बैंक क्या करती है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है उस पर चार्ज कंज्यूम करती है, उससे उनकी इनकम होती है, ये बैंकिंग की कुछ इनकम्स होती हैं। ओके, तो इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम चलता है। बैंकिंग में देखो बहुत सारे टाइप्स के अकाउंट होते हैं हमारे, ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जिसमें से हमें मेन जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पढ़ना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं इसमें बैंक में हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा होता है सेविंग अकाउंट, जो नॉर्मली लोगों का होता है, हमारा सेविंग अकाउंट हर किसी नॉर्मल बंदे का होता है, तो जैसे ये हमारे जनधन खाते थे ये भी सेविंग अकाउंट में ही आते हैं हमारे। इस टाइप के पास अगर आप कोई भी नॉर्मल अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो वो आपका सेविंग अकाउंट खुलता है। ठीक है, बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए करंट अकाउंट चलता है, उनके लिए करंट अकाउंट चलता है, तो उसकी जो मिनिमम बैलेंस होता है वो भी हाई रेट होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर सेविंग बैलेंस में आपका 2000 मतलब जो आपका नॉर्मली होता है 2000 या 5000 नॉर्मल क्या होता है हमारा मिनिमम बैलेंस रखना होता है, इसमें आपको ज़्यादा मिनिमम बैलेंस रखना होता है और ये सिर्फ जीएसटी जिसके पास जीएसटी होता है उसी का ही ओपन होता है करंट अकाउंट। इस तरीके से हमारे फिक्स्ड अकाउंट होता है हमारा। ठीक है, ये फिक्स्ड अकाउंट होता है जिसे हम एफडी भी कहते हैं। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट भी कह देते हैं इसे हम एफडी, फिक्स डिपॉजिट, कि हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं और कुछ हम कह देते हैं कि हमारा पैसा 2 साल के लिए फिक्स हो जाएगा, फिर हम उस इंटरवल में उसको हम निकाल नहीं सकते हैं, तो उस पर हमें हाई रेट मिलता है। जैसे हमारी एफडी होती है उस पर हाई रेट मिलता है, जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता है हमारा, मतलब 2% के नियर बाई मिलता है। फिक्स अकाउंट में आपको 5% तक भी इंटरेस्ट मिल सकता है। ऐसे हमारा क्या होता है यहाँ पर फोर्थ में होता है हमारा जो आरडी अकाउंट जो हम पढ़ने वाले हैं, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, आरडी इसको हम आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को ही हमें मेनली पढ़ना है। अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हमारा क्या होता है कि नॉर्मल हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट में पैसा क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं बैंक में और बैंक उस पर एक इंटरेस्ट देता है, वो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको, 4% के नियर बाय उसमें इंटरेस्ट भी मिल सकता है आपको। तो आरडी अकाउंट में हम क्या करते हैं, पर मंथ कुछ क्या करते हैं, अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंक में और बैंक उस पर क्या करता है, इंटरेस्ट देता है, उसी को रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। नॉर्मली जो हम अपने मतलब लोकेलिटी वगैरह में हम कहते हैं कि हमने क्या किया है, कमेटी वगैरह जो कहते हैं कि लोग कमेटी डाली है हमने, वो इसी का ज़्यादा सिस्टम है, लेकिन इसमें हमको इसमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बैंक के पास भी अपने क्या करते हैं, पर मंथ कुछ अमाउंट्स क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो इसी के बारे में आपको सिर्फ बैंकिंग में पढ़ना है, बहुत ईजी हो गया अब ये चैप्टर हमारा। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में करना क्या है आपको, देखो तो अब इसमें हम कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे हमारे पास, जैसे कि हमें पर मंथ जो हम इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं, ठीक है, पर मंथ जो इंस्टॉलमेंट हम सबमिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं। अब देखो नॉर्मल यहाँ बस 2 ही फॉर्मूलाज यूज होंगे जिसकी हेल्प से आप इस पूरे चैप्टर को कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको फाइंड करना है कि जो भी आप अमाउंट सबमिट कर रहे हो पर मंथ उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसके लिए इंटरेस्ट के फॉर्मूला बनाया गया है पी इंटू एन एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12। तो ये कुछ इस टाइप से
कैलकुलेशन रखी गई है जिससे कि आप इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। ये वही इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बस इसमें यहाँ पर टाइम को थोड़ा सा अलग रिलेट कर दिया गया है। ओके, पी इंटू एन एन प्लस वन अपॉन आर, एन क्या है यहाँ पर, पी क्या है, आई क्या है, तो आई क्या हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, जो इंटरेस्ट मिलता है इस पर आपको, ये इंटरेस्ट हमारा जो इंटरेस्ट आपको मिलता है किस पर, कि जैसे हम लेट कर लेते हैं कि आप पर मंथ क्या करते हो 1000 डिपॉजिट करते हो और आप 12 मंथ के लिए इसे सबमिट करते हो, मतलब डिपॉजिट करते हो, आप 12 मंथ के लिए आप इसको डिपॉजिट करते हो, तो आपको आफ्टर 12 मंथ कितना इंटरेस्ट के साथ क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, वो उस इंटरेस्ट को बताता है ये आई। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पी रिप्रेजेंट कर रहा है सम डिपॉजिट एवरी मंथ को, कि आप पर मंथ, या फिर कह सकते हो ये डिपॉजिट कर रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट को, कि आप मंथली कितना क्या कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, ओके, कितना डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, ये मंथली इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूलाज में। एन क्या है यहाँ पर, एन है नंबर ऑफ मंथ्स, यहाँ पर हम ईयर नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे नंबर ऑफ मंथ्स, क्योंकि यहाँ पर आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है। आर आपको बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा नॉर्मली। तो ये चीज़ें हमारे पास जिसकी हेल्प से हम करेंगे। अब देखो इसमें एक और टेक्निकल टर्म्स है MV, जिसको हम कहते हैं क्या, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब कि आप जो भी अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो किसी फिक्स्ड इंटरवल के लिए, उसके बाद आपको कितना टोटल मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, उसी को कहते हैं इसकी मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, इसी को कहते हैं इसकी मैच्योरिटी वैल्यू, कि मैच्योर होने के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा। जैसे कहते हैं हम कि 1000 को वो 12 मंथ के लिए क्या करता है, डिपॉजिट करता है, तो नॉर्मली 12 मंथ के अकॉर्डिंग इसके कितने पैसे हो जाते हैं टोटल हमारे, कितना अमाउंट हो जाता है इसका, इसका हो जाएगा 12000, क्योंकि एक मंथ में 1000, तो 12 मंथ में कितना, 12000 रुपीज़। लेकिन 12000 के साथ उसे कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, और वो इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूला की हेल्प से। और इंटरेस्ट के साथ जब हम उसे ऐड कर देंगे तो यही जो वैल्यू होगी, यही हमारी क्या होगी, मैच्योरिटी वैल्यू होगी। बस यही दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, क्या, एक तो मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करते हैं क्या, कि जो भी हमारा ये टोटल एक्चुअल वैल्यू है, इसकी एक्चुअल जो अमाउंट है जो हमने डिपॉजिट किया है, उसे हम कैसे निकालेंगे, पी इंटू एन से, कि आप पर मंथ आपने 1000 डिपॉजिट किए और कितने मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, ये आपकी क्या होगी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ये जो वैल्यू आई है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आई है, तो पी इंटू एन प्लस इसमें इंटरेस्ट और ऐड कर देंगे, तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने का। सिंपल है बिल्कुल, ये दोनों ही फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं और आप इसकी हेल्प से पूरे चैप्टर को कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल चैप्टर, देखो क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 2A है, यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने जैसे हमने 9th क्लास वाली पूरी सीरीज कंप्लीट किया जिसमें हमने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया, ऐसे ही आपको अब क्लास 10th की सभी वीडियोस मिलेंगी और उस पर आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको, वो भी कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे हमारे पास कह रहा है कि मनीष ओपन सा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मनीष रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करता है, मतलब आरडी ओपन करता है विद द बैंक ऑफ राजस्थान एंड डिपॉजिट 600 पर मंथ। अब देखेंगे इसमें गिवन क्या है, बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पहचानना है कि गिवन क्या है। तो पर मंथ वो क्या करता है, 600 रुपीज डिपॉजिट करता है, तो इसका मींस उसकी पी की वैल्यू क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है उसकी, 600 रुपीज। तो हम क्या, हमें क्या दिया है, ये पी की वैल्यू दी है पर मंथ फॉर 20 मंथ्स, और कितने मंथ्स के लिए करता है, 20 मंथ्स के लिए, तो एन की वैल्यू हो गई 20 मंथ्स। ओके, तो ये हो गया हमारी एन की वैल्यू। कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट, इसकी मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, देखो कितना हाई इंटरेस्ट दे रहा है आपको ये, तो 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपको फाइंड करना है इसका क्या, मैच्योरिटी वैल्यू। और मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, कि पहले आप इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर लो, कि आप 600 रुपीज़ पर मंथ कर रहे हो 20 मंथ्स के लिए कर रहे हो, तो टोटल आपकी वैल्यू कितनी जाएगी, पी इंटू एन। बस मैच्योरिटी वैल्यू में क्या करते हैं, इंटरेस्ट और ऐड कर देते हैं, तो या तो आप इसी में इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो, या फिर इंटरेस्ट को अलग से फाइंड कर लो और फिर इसमें पुट कर देना इस इक्वेशन में। ओके, तो सबसे पहले हम अलग से इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन, एन प्लस वन डिवाइड में 2 इंटू 12, ये याद रखना है आपको, इंटू आर अपॉन 100। सिंपल है बिल्कुल, ये वही फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी, टी की जगह बस आपको क्या करना है, टी की जगह ये वाली वैल्यू याद रखनी है, कि एन एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12।
अब करेंगे हम इसमें, इसमें करेंगे हम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी, पी की वैल्यू 600 है इंटू एन 20 मंथ्स हैं तो 20, और यहाँ पर 20 प्लस 1 करेंगे 21 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 इंटू 12, इसको 24 भी लिख सकते हैं। आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 10, आर की वैल्यू 10 है एंड डिवाइड बाय 100, कैंसिल कर लेते हैं देखो, और जितना भी कैंसिल हो सके उतना कैंसिल करेंगे, जैसे यहाँ पर 10 टाइम्स में और यहाँ से 10 10 कैंसिल। ओके अब देखेंगे हम यहाँ पर आई कितना आ रहा है हमारा 600 इंटू ये कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 12, 12 डिवाइड में 12, 5 से 60 होते हैं, ये 50 हो गया, एंड इंटरेस्ट आ गया हमारा कितना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050, तो इतना रुपीज़ इसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे हम, मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी पी इंटू एन प्लस आई, पी की वैल्यू रखेंगे 600, एन की वैल्यू 20 है हमारे पास, और इंटरेस्ट आया ये 1050 करेंगे अगर हम इसको, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, ये 000 और प्लस कितना 1050, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ 1050031, ये आ जाएगा 30,000 कितना 50 रुपीज़, 30,015 रुपीज़ आपको क्या मिलेगी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। देखो एक्चुअल में आपने कितना डिपॉजिट किया है, सिर्फ 12,000, और आपको इंटरेस्ट के साथ कितना मिल रहा है 13,050 रुपीज़, तो ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी कि आफ्टर जब आपकी आरडी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सिंपल ही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही दोनों फॉर्मूले यूज़ होंगे और कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मिसेस मैथ्यू ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ सर्टेन बैंक एंड डिपॉजिट 640 पर मंथ, मतलब इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट इनकी कितनी है, इनकी मंथली इंस्टॉलमेंट है हमारी कितनी 640 रुपीज़। ओके ये 640 रखी हमने, तो आपको गिवन पहचानना है बस, आपका क्वेश्चन हो जाएगा पर मंथ फॉर फोर एंड हाफ ईयर, अब ये देखो टाइम के लिए इसने फोर एंड हाफ ईयर कहा है, तो फोर एंड हाफ ईयर को आप क्या लिख सकते हो, फोर एंड हाफ को क्या लिख सकते हो, आप फोर एंड हाफ को लिख सकते हो 4 × 2 = 8 और 9/2 ईयर, और 9/2 ईयर को अगर आपको किस में करना है, मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो 12 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्यों करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, 1 ईयर में 12 मंथ, तो 9/2 ईयर में 9 × 12 मंथ, सिंपल सी बात है कि अगर 1 ईयर में कितने हैं हमारे, 1 ईयर में 12 मंथ्स हैं, ठीक है, तो 4 ईयर्स में कितने होंगे, इधर 4 की मल्टीप्लाई, तो इधर भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने मंथ्स होंगे, लेकिन 4 एंड हाफ ईयर में कितने होंगे हमारे, तो 4 एंड हाफ ईयर की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, और 4 एंड हाफ का मतलब क्या है 9/2, तो बस ये आ जाएगा, ऐसे हमने यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई किया, तो ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे यहाँ पर इसको, तो 2 × 6 = 12 और 9 × 6 कितना हो जाएगा 54, तो इतना मंथ्स आ जाएगा यहाँ पर 54 मंथ्स। ओके ये हो गई सिंपल वैल्यू, एंड और इसमें क्या गिवन किया, कह रहा है कि फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू, इसमें भी आपको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है अकाउंट की, इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर 12% पर ईयर, ठीक है 12% का इंटरेस्ट देता है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है हमें 12% पर ईयर, ठीक है, तो ये पर ईयर पर एनम भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है इस तरीके से। अब आपको इसको सोल्व करना है, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू होता है पी इंटू एन एक्चुअल अमाउंट जो हमारा प्लस इंटरेस्ट, सिंपल सा ऐसे याद रखो इसे, लेकिन इसको हम करने के लिए इसमें आई पहले फाइंड करना पड़ेगा, या तो आई का फॉर्मूला यहाँ पर ही आप रख सकते हो डायरेक्ट, या फिर आई को अलग से सोल्व कर सकते हो, तो अगर हम आई को अलग से सोल्व करते हैं, तो इसको सेपरेटली सोल्व करते हैं अगर हम आई को, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, क्या होगा हमारा क्वेश्चन करते हैं इसमें हम, तो यहाँ पर अगर हम आई को सोल्व करते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है पी एन एन प्लस वन डिवाइड बाय कितना 2 × 12 और इंटू में आर अपॉन 100, वैल्यू देखेंगे क्या क्या है हमारे पास, पी की वैल्यू है 640, पी की वैल्यू क्या है 640, एन की वैल्यू 54, एन की वैल्यू क्या है 54, यहाँ पर 54 और यहाँ पर 54 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 × 12 और इंटू में आर, आर की वैल्यू कितनी है हमारी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% पर एनम, तो 12% डिवाइड बाय 100, अब कर लेंगे इसको सोल्व हम, आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सोल्व करते हैं इसको, कैंसिल जो भी वैल्यू हो रही है इसको कैंसिल करेंगे, जैसे 12 से पूरा 12 कैंसिल हो गया हमारा, ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, बचेगा क्या हमारे पास 64 ये 55 और नीचे क्या है हमारा 10, ये नीचे जो है हमारा ये 10 है, अभी 10 भी देख लो कैंसिल हो रहा है, तो
जैसे 5 2 10 और 5 से कैंसिल कर लो 11, 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 3 2 2, तो मैक्सिमम वैल्यूज आपको कैंसिल कर लेनी है। तो फिर यहाँ पर अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, उनको सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे 32 27, 32 27 करेंगे हम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, हाँ ठीक है, तो 7 3 21 22 और 2 2 4 2 3 6, यहाँ पर 4 6 और 8, तो ये कितना हो जाएगा 864। लेकिन 864 अभी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, अभी 11 भी रह गया हमारा, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 1 6 14 15 का 5 1, और ये हो जाएगा 9 5, ये हो जाएगा हमारा 9 5 0 4। ओके, ये 950 रुपीज़ हो जाएगा, मतलब 9504 रुपीज़। नाउ अब हम मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, पी इंटू एन प्लस आई, सिंपल सी बात है, पी की वैल्यू 640 है, पी की वैल्यू 640 है, इंटू एन की वैल्यू कितनी है हमारी 54 मंथ्स है, प्लस इंटरेस्ट कितना है 9504। अब इसको करेंगे हम सोल्व, तो 64 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 16 1, 4 6 24 1 25, 5 4 20 0 2 carry, 5 6 30 2 32, ठीक है 32, यहाँ पर 6 5 4 3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 4 5 6, और एक ही जीरो है तो ये जीरो लगाएंगे, प्लस कितना 9504 रुपीज़। अब इनको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 9504 रुपीज़, तो आएगा 4 6 5 4 5 10 0 1 carry, 9 10 14 4 1 carry, और ये 4, तो आ रहा है हमारा 4 4 0 6 4 4 4 0 6 4 रुपीज़। ओके, ये हो गई हमारी मैच्योरिटी वैल्यू, तो ये सिंपल हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हो गई, ये हो गया हमारा, तो यहाँ पर हो गया सेकंड क्वेश्चन। ऐसे इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन किया है इसने हमें, तो सिंपल हम थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे क्या गिवन किया है हमें। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच ऑफ ए एंड बी ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, दो बंदे हैं ए एंड बी, उन्होंने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मीन आर डी अकाउंट ओपन किया है। इफ ए डिपॉजिट 1200 पर मंथ फॉर 3 ईयर्स एंड बी डिपॉजिट 1500 पर मंथ फॉर 2.5 ईयर, फाइंड ऑन मेच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट एंड बाय हाउ मच द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इज 10% पर एनम। मतलब दोनों का अलग अलग आपको सेपरेटली क्या करना है, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, और देखना है कि किसकी मैच्योरिटी वैल्यू हाई है, किसका मैच्योरिटी वैल्यू अमाउंट हाई है और कितना हाई है, ये भी बताना है। तो सिंपल है, इसमें भी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को, एक ए बंदा है हमारा और एक बी बंदा है। अब दोनों के लिए पी की वैल्यू डिफरेंट है, पी की वैल्यू ए वाले के लिए कितनी है, ए कितना डिपॉजिट करता है 1200 पर मंथ करता है, लेकिन रेट दोनों के लिए सेम है, टाइम दोनों के लिए डिफरेंट है, ये 3 ईयर के लिए करता है, तो 3 × 12 कितना हो जाएगा हमारा 36 मंथ्स। ओके, ये 36 मंथ हो जाएगा, आर की वैल्यू और देख लेते हैं, आर कितना है 10%, तो 10% पर एनम है ये हमारा। अब इसको देख लेते हैं बी वाले के लिए, बी वाले के लिए पी की वैल्यू क्या है हमारी, ये कह रहा है कि एंड बी डिपॉजिट 1500 रुपीज़ पर मंथ, तो 1500 पर मंथ करता है ये, फॉर 2.5 ईयर के लिए करता है, तो एन की वैल्यू 2.5 ईयर को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 ईयर को लिख सकते हैं 2 2 4 1 5 upon 2 year, या फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2 6, और ये लिखेंगे 30 मंथ्स। ओके, तो 30 मंथ्स के लिए कर रहा है यहाँ पर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रहने वाला है हमारा। अब दोनों की मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं दोनों का, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी इंटू, देखो मैं बार बार जो फॉर्मूला रिपीट करता हूँ इसलिए करता हूँ कि जिससे कि आपको ये रिवाइज होता रहे, आपको याद हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप उसे क्वेश्चंस में यूज़ करो, ना कि उसे बैठकर याद करने लगो कि आप सोचो कि पहले हम फॉर्मूला याद करते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे, ऐसे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो, बार बार उस फॉर्मूला का यूज़ करो, नहीं आ रहा तो देखो फिर यूज़ करो, आप हर एक क्वेश्चन में लिखो उसे, बस आपको लर्न हो जाएगा, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है आपको फॉर्मूलाज लर्न करने की, एक साथ एक पेज पर फॉर्मूला लिखकर लर्न करोगे कभी भी लर्न नहीं होंगे, आप उनको एप्लीकेशन में लेके आओ तब आप उसको ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हो। और यहाँ पर ये हो जाएगी वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी, पी की वैल्यू कितनी 1200, पी की वैल्यू 1200 इंटू एन, एन की वैल्यू 36 इंटू 36 प्लस 1, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 36 प्लस 1 37, और डिवाइड बाय कितना 2 × 12 इंटू आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू 10 और डिवाइड बाय 100। ओके, अब इसको करेंगे, अगर हम कैंसिल कर लेते हैं जो भी वैल्यू कैंसिल हो रही है, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 12 3 कैंसिल हो रहा है,
टू से और कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है तो उसको भी कैंसिल कर लेते हैं, जैसे टू से कैंसिल हो रहा है हमारा ये, टू सिक्स 12, आई की वैल्यू आ रही है 600 335, एंड डिवाइड में क्या है ये 10 है ओनली, और इस 10 से तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इस 10 को क्यों लेके घूम रहे हैं हम, तो यहाँ पर हटाओ इसे भी, तो ये जाएगा 60 × 3 × 37। नॉर्मली अब इसको आप प्लस करोगे कितना आएगा, ये 3 6 18 8 180, और ये 37, तो 180 और 37 मीन्स 18 और 37, 8 7 56 5, 8 3 24 और 5 29, 1 से करेंगे यहाँ 7 और 3 ये 6, 9 और 7 6 का 1 और यहाँ पर 6, ओके यहाँ पर जाएगा ये 666, इसको हम लिख सकते हैं क्या 666 और 0 रुपीज़, ओके ये इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट के बाद अब हम क्या करेंगे इसमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करेंगे, और मैच्योरिटी वैल्यू कैसे फाइंड होती है हमारी, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड होती है पी इंटू एन प्लस आई से, पी की वैल्यू कितनी है 1200 × n, एन कितना 36 प्लस इंटरेस्ट कितना है हमारा 6660, इनको मल्टीप्लाई करो, 12 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 3 36 और 12 6 कितने होते हैं 72, तो ये हो जाएगा 4 3 2 और यहाँ पर ये कितने जीरोज होंगे 00, ये आ गए हमारे, ओके तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल, ये हो गया हमारा। अब इसमें हम क्या कर देंगे, कितना प्लस कर देंगे 6 6 और 6 और 0, अब इनको प्लस करेंगे हम तो कितना होगा ये हमारा, अब इनको प्लस करेंगे अगर ये कितना हो जाएगा हमारा 0, ये 6 के साथ 6 और 0 6, ये 6 और 2 8 और ये 6 और 3 9 और ये 43, ये हो जाएगा हमारी मैच्योरिटी वैल्यू ए के लिए, ए के लिए ये मैच्योरिटी वैल्यू हो गई। ऐसे ही सेम हम बी के लिए फाइंड करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू, और इससे पहले हम क्या करेंगे इसका इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आई इज इक्वल्स टू पी इंटू एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 2 × 12 और इंटू में कितना आर अपॉन 100, करेंगे इसको सोल्व, आई इज इक्वल्स टू पी, पी की वैल्यू कितनी है 1500 है, इंटू एन, एन की वैल्यू 30 मंथ्स है, तो यहाँ 30 और यहाँ लिख लेंगे हम क्या 30 + 1 = 31 और डिवाइड बाई कितना 2 × 12, आर की वैल्यू कितनी 10 अपॉन 100, यहाँ कैंसिल करेंगे इसे, ये 1 0 से 1 और 0 कैंसिल, 12 से कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको भी कैंसिल कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर 12 से 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसको 15, एंड 3 से कैंसिल कर लेते हैं 3 4 ज़ा और 3 5 ज़ा, क्या बच गया हमारे पास ये 4 रह गया नीचे, 4 से अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही तो उसे भी कैंसिल कर लेते हैं, जैसे 4 3 ज़ा 12 होगा, पूरे कंप्लीट वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही इसका, मीन्स यहाँ पर 1500 यहाँ पर कितना 5 यहाँ पर 31 और डिवाइड में कितना आ रहा है हमारा 4, ये 1500 नहीं होगी सिर्फ कितना होगा 150 होगा क्योंकि यहाँ पर 4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो क्या कर सकते हैं इसमें, पहले या तो इनको मल्टीप्लाई कर लो फिर 4 से डिवाइड कर लो, या फिर पहले 4 से डिवाइड कर लो इसको, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा, करेंगे इसको अब हम तो कितना आ जाएगा हमारा 5 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 5 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 5 3 ज़ा 15 डिवाइड बाय कितना 2, 2 से आप इसे डिवाइड कर सकते हो, पहले आप किसी वैल्यू को भी 2 से क्या कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो, और फिर क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो कि हम 155 की मल्टीप्लाई 75 में करते हैं कितना आएगा 5 5 ज़ा 25 2, 5 5 ज़ा 25 4 2 27 2, 5 4 2 7, 7 5 ज़ा 35 3, 7 5 ज़ा 35 और 3 38 3, 7 3 10, यहाँ हो जाएगा 5 7 5 12 का 2 1 कैरी, ये 16 1 1 और 1 कितना हो गया, ये आ रही है हमारी वैल्यू 11625, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा ये हमारा 6 5 ज़ा और 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 2 8 ज़ा 16, यहाँ पर कितना आएगा हमारा 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा
फोर और टू फाइव ज़ार टेन, ये वैल्यू आएगी हमारी इंटरेस्ट की 5812। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, मैच्योरिटी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पी इंटू एन और प्लस आई करेंगे। पी की वैल्यू कितनी है हमारी 1500 और एन की वैल्यू कितनी है हमारी 30 मंथ्स, तो 30 करेंगे प्लस इंटरेस्ट कितना है 5812.5, इन दोनों को प्लस करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 45 और ये 1000 प्लस इन दोनों को 5812.5, तो इनको करेंगे अगर हम 45000 और यहाँ पर 5812.5, ओके यहाँ करेंगे इसको 5, यहाँ पर 218550 1 और यहाँ पर 5, तो कितना हो जाएगा हमारा 5081.2.5। किसका अमाउंट ज़्यादा है हमारा, किसका अमाउंट ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसमें अमाउंट जो हमारा आ रहा है ये बी का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो बी विल गेट मोर अमाउंट, बी विल गेट मोर अमाउंट, बी को ज़्यादा अमाउंट मिलेगा और कितना, तो यहाँ पर लिखेंगे बी विल गेट मोर अमाउंट देन या फिर मोर मैच्योरिटी वैल्यू देन ए, एंड कितना, हाउ मच, तो हाउ मच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो अमाउंट है उसमें से ये माइनस कर देंगे 49860, माइनस करेंगे कितना आ रहा है हमारा 50812.5 और यहाँ पर 49860.50 ले लेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, 11 में से 6 कितना 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 में से 8 9, अब इसने इसको कह दिया 9 9 में से 90, 4 में से 40, तो ये आ गया 952.5, तो ये आ गया हमारा 952.50, ओके ये आ गया इसका कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट इसे मिलेगा। ये सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसमें हम फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या गिवन किया है इसने, कह रहा है कि आशीष डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन अ आरडी अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। आरडी अकाउंट मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एवरी मंथ कुछ अमाउंट क्या करता है, डिपॉजिट करता है 12 मंथ के लिए, तो एन की वैल्यू दी है। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11%, आर की वैल्यू दी, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन क्या है, एंड ये कह रहा है कि आशीष गेट्स 12,715 रुपीज एज द मैच्योरिटी वैल्यू, और इसकी मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है इस बार ऑफ दिस अकाउंट, व्हाट सम ऑफ मनी डिड ही पे एवरी मंथ, ये एवरी मंथ कितना मनी पे करता है ये बताना है, इसका मीन्स इसकी बार मंथली इंस्टॉलमेंट बतानी है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे देखो एन की वैल्यू गिवन की है 12 मंथ, ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन किया है 11% पर एनम, एंड मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है इसने हमें कितनी 12,715 रुपीज़। आपको क्या फाइंड करना है, पी, पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पर कि इसका मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। अब देखो ये मंथली इंस्टॉलमेंट कहाँ से, कभी देखो जो भी वैल्यू गिवन होती है ना क्वेश्चन में उसी गिवन का ही हमेशा यूज़ होता है, जैसे मैच्योरिटी वैल्यू, हम मैच्योरिटी वैल्यू का यूज़ करेंगे और मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन प्लस आई। तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू रखते हैं, ओके, यहाँ पर पी, एन की वैल्यू कितनी है हमारी 12 प्लस, अब आई के प्लेस पर देखो आई की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, आई की वैल्यू का फॉर्मूला रखेंगे, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है पी, आई की जगह क्या रखेंगे हम पी इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 और इंटू में आर अपॉन 100, ये वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पर क्या आई के प्लेस पर। नाउ अब हम इसमें ध्यान से देखें दोनों में पी कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर पी कॉमन ले लेंगे, क्यों ले रहे हैं पी कॉमन, क्योंकि पी कॉमन लेने से क्या होगा, पी की वैल्यू हम तो यहाँ से हम पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर हम पी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर बचेगा 12 प्लस यहाँ पर एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 और इंटू में आर अपॉन 100, ओके ये वैल्यू बचेगी हमारी, और पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बस इसमें पी ही अननोन है, ये सभी वैल्यूज हमें फाइंड ऑलरेडी नोन है, तो इन वैल्यूज की क्या करेंगे हम, ये जो हमारा एन है आर है इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 मंथ्स, यहाँ पर 12 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12
आर की वैल्यू कितनी है, 11/100। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, देखो 12 से 12 कैंसिल और वैल्यू कैंसिल हो रही, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम। कैलकुलेशन बिल्कुल लास्ट में करनी है आपको, कैंसिल हो रही है अगर वैल्यू तो कैंसिल कर सकते हो। जैसे अब हमारे पास ये बच रहा है, इसको अभी सोल्व नहीं करेंगे हम। हम क्या करेंगे, जितना सिंप्लीफाई हो सकेगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कितना आएगा 143, नीचे 200। ओके, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 200 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 1 और 200 का एलसीएम 200 आएगा। 200 की मल्टीप्लाई इधर तो ये हो जाएगा 2400 प्लस 143 डिवाइड में 200। अब ये 1275 पी, इनको प्लस करेंगे 3452/200। अब करेंगे इसको सोल्व, 12,000। अब ये 200 और डिवाइड बाय 2543 इक्वल्स टू कितना पी, इसको सोल्व करेंगे। अब हम क्या कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू आपस में कुछ कैंसिल हो रही हो, 3 से ही कैंसिल हो रहा हो, 3 से कैंसिल हो रहा है नहीं, तो देखेंगे इसमें हम 7 और 4, 11 और 3 कितना हो रहा है, नहीं 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है ये, तो इसकी वैल्यू देखेंगे कितनी आ रही है हमारी। देखो तो इसको कैसे कैंसिल हो सकती है हमारी ये वैल्यू हमारी, देखो अगर हम इसका 2543 और 12,000 है, तो ये नियरली हमारा किसमें 5 times में, देखो इसे 5 times कैंसिल हो रहा है नहीं, 5 3 15 का 5 1 carry, 5 4 20 21 का 2 carry, 27 यस, ये 5 times में कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गई हमारी 1000 पी, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1000। तो ये करना था आपको। तो क्वेश्चन में देखो हर बार वो क्या कहेगा आपको, मैच्योरिटी वैल्यू या इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए नहीं बोलेगा, कभी कभी वो आपको क्या कर सकता है, टाइम भी कर सकता है, टाइम अननोन कर सकता है, रेट अननोन कर सकता है, ठीक है। तो जैसे इसने इस बार क्या करी थी, मंथली इंस्टॉलमेंट जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये अननोन की थी, तो इसको भी अननोन कर सकता। तो इसी टाइप से बस हम फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे जो हमने दो फॉर्मूले सीखे, एक तो क्या मैच्योरिटी वैल्यू पी इंटू एन प्लस आई, अगर इसमें इंटरेस्ट गिवन किया होता, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन नहीं की होती, इंटरेस्ट गिवन किया होता, तो सिर्फ इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला ही हम अप्लाई करते हैं, ओके उसी के हेल्प से हमारा क्वेश्चन हो जाता। लेकिन इस बार हमने मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है, तो मैच्योरिटी वाले फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं इसमें, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन किया है इसने हमें, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि मैन हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3.5 years, मतलब एन की वैल्यू गिवन की है, 3.5 years का मीन्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 2 6 और 1 7/2, और इसकी मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे तो 2 6 और 6 7 42 months, ओके 42 months हो गए हमारे। इफ़ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 12%, रेट ऑफ द इंटरेस्ट 12% गिवन किया है पर एनम, ठीक है ये पर एनम गिवन किया है हमें, एंड द मैन गेट 10,206 ऑन मैच्योरिटी, और इनको मैच्योरिटी पर इसमें कितना अमाउंट मिलता है, 10,206 rupees इसको मैच्योरिटी पर मिलते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन हो गया ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट, बिल्कुल सेम उसी की तरह ही हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, मैच्योरिटी वाला क्या लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, पी इंटू एन प्लस आई से इन सभी की वैल्यू रखेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू 10,206 इक्वल्स टू पी, पी की वैल्यू कितनी है हमारी फाइंड करनी है हमें, एन, एन की वैल्यू कितनी है हमारी 42 प्लस आई की वैल्यू क्या है, पी इंटू एन, एन प्लस 1/2 × 12 और इंटू में क्या होता है, आर अपॉन 100 होता है, ओके इसको हम ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। देखो सिंपल ये वाली वैल्यू अलग है और ये वाला टर्म अलग है, इन दोनों टर्म से पी को हम कॉमन लेंगे, 12 2 6 इक्वल्स टू पी कॉमन लेंगे हम, बचेगा क्या यहाँ पर 42 प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा एन, एन प्लस 1/2 × 12 और यहाँ पर आर अपॉन 100, ओके यहाँ पर करेंगे अगर हम 10,206 rupees इक्वल्स टू पी 42 प्लस एन की वैल्यू क्या, एन की वैल्यू क्या 42, यहाँ पर 42 प्लस 1/2 × 12 इंटू आर अपॉन 100, आर की वैल्यू 12/100, ओके अब इसे सोल्व करेंगे हम, कितना हो जाएगा 10,206 और ये पी, अब इसको कैंसिल करेंगे हम देखेंगे इसमें से 12 से 12 कैंसिल हो रहा है, 2 से ये हमारा कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से कैंसिल हो रहा है ये, 2 2 4 2 1 2 बचेगा क्या 42 प्लस,
यहाँ पर 21 और यहाँ पर 43 और डिवाइड में कितना 100। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू से मतलब 100 से तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है हमारा, तो सिंपल हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर। 206P42 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 43 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 703 हो रहा है हमारा ये। ओके अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अगर हम 1 और 100 का एलसीएम लेते हैं तो 100 और यहाँ पर 100 को मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 की और ये हो जाएगा 703। नाउ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर 100 को और डिवाइड में क्या ले जाएंगे ये वाली वैल्यू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4200। अगर इसमें प्लस कर दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 49, ये वाली वैल्यू हमारी इधर आ जाएगी 4903। क्या ये भी इसे कैंसिल कर रही है जैसे पहले वैल्यू कर रही थी, तो देखो कितने टाइम्स में, क्या टू टाइम्स में ही इसको कैंसिल कर रही है ये, लग तो नहीं रहा टू टाइम्स में, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 4903 आ रही है हमारी। ओके देखो इसको कैंसिल करना, यहाँ पर टू टाइम इसको कैंसिल करना चाहिए इसे, क्योंकि इसका जो आंसर भी आ रहा है हमारा वो आंसर कितना आ रहा है इसका 200 ही आ रहा है। देखो हमारी दूसरी बुक है इसमें 200 ही आ रहा है इसका आंसर, तो यहाँ पर हमने कहीं मिस्टेक की। जैसे देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये 8 और 1, यहाँ पर 9 आता ना हमारा, 9 होगा यहाँ पर और 9 होगा, ये प्लस करेंगे 9 और 2 1, 11 11 का 1 और 5 थी आएगा हमारा 5103। तो ये मिस्टेक हो जाती है, इनका ध्यान रखना है आपको। ओके कैलकुलेशन का बहुत, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आ रही है हमारी, 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया हमारा 200। ओके तो 200 आ गई हमारी पी की वैल्यू, सिंपल। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पुनीत हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक ऑफ बड़ौदा एंड डिपॉजिट 140 रुपीज़ पर मंथ। तो इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है 140 रुपीज़ पर मंथ। ओके फोर ईयर मीन्स कितने से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 48 मंथ्स। ओके इफ ही गेट 8092 मतलब 8092 रुपीज़ ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू है इसकी कितनी 8092 रुपीज़। ओके तो ये कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। देखो इस बार इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को अननोन कर दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अननोन कर दिया है तो बस देखो जो मेन वैल्यू हमें गिवन की होगी इंटरेस्ट या फिर मैच्योरिटी वैल्यू, उसी का ही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है हमारी, मैच्योरिटी वैल्यू होती है पी इंटू एन प्लस आई, इसको यूज़ करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। ये है हमारी पी की वैल्यू 140 है इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है 48 प्लस आई की वैल्यू कितनी है हमारी, आई की वैल्यू क्या होती है, आई को हम फॉर्मूला पुट करेंगे क्योंकि आई की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है हमें, तो आई की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एन, एन प्लस 1/2 × 12 और इंटू में R/100 रखेंगे। ओके अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आपको कॉमन लेने की कोई भी नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको P की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, आपको तो ये R और R पहले से ऑलरेडी एक ही जगह पर है, तो हम क्या कर देंगे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इधर माइनस कर लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 48 × 14 करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 8 32 3 4 4 16 3 19 और ये कितना हो जाएगा 48, ये 2 9 8 7 कितना हो जाएगा 5 और 6 6 7 2 0 तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, इसमें हम वैल्यू रखेंगे पी की वैल्यू 140 इंटू एन की वैल्यू 48 और ये 48 प्लस 1 डिवाइड में 2 × 12 और R/100। अब इस वैल्यू को उठाकर इधर माइनस कर देंगे 6 7 2 0 इक्वल्स टू, इसको करेंगे अगर हम कितना आएगा 12 4 जा और 2 से कैंसिल करेंगे 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, ये 0 से 1 और 0 कैंसिल, तो यहाँ पर 2 बच गया हमारा 14 मतलब कितना हो गया 28 और ये कितना हो गया हमारा 48 × 49 और अपॉन में रह गया 10 एक और इंटू में R। ओके इन दोनों को माइनस करो कितना आ रहा है, देखो 2 2 में से 0 2 9 में से 2 7 यहाँ 0 है तो 10 में से 7 3 7 में से 1 ये आ गया हमारा। नाउ अब हम क्या करेंगे इन वैल्यूज़ को यहाँ से R से हटाकर इधर लेके आएंगे, तो ये जाएगा 1372 1372 इसमें 10 की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय
28 इंटू 49 इक्वल्स टू आर। सोल्व करेंगे इसको अब हम कितने टाइम्स में, देखो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 से डिवाइड होने के लिए हम देखेंगे 7 1 7, फिर कितना बचेगा हमारे पास 6, 7 9 63 नहीं हो रहा है, 7 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 27 से तो ये भी कैंसिल हो रहा था, 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 से कैंसिल हो रहा है यहाँ पर ये, तो 4 से कैंसिल करेंगे हम इसे, कितना हो जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 7 4 से किया हमने इसे, 4 3 12 वन कैरी, फिर 4 4 16 वन कैरी, 4 3 12, लेकिन ये 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मीन्स ये 7 से डिवाइड हो रहा था हमारा, हाँ 7 से डिवाइड हो रहा था ये हमारा, तो 7 से इसको करेंगे हम 7 4 28, 7 4 28, फिर कितना कैरी हो जाएगा हमारा 6 7 9 63, 49 से 49 कैंसिल हो रहा है पूरा, 10% आ गया, सिंपल आर की वैल्यू हो गई 10% पर एनम, सिंपल था क्वेश्चन ये। इसका ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे कि सेकंड पार्ट में क्या गिवन किया है हमें, सेकंड पार्ट देखते हैं, कह रहा है कि डेबिट ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 300 पर मंथ फॉर 2 ईयर, 300 रुपीज पर मंथ सबमिट कर मतलब जब डिपॉजिट करता है 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, इफ़ ही रिसीव 7725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 6 का ही सेकंड पार्ट है ये हमारा, ओके क्या क्या गिवन किया है इसमें हमें, इसमें गिवन किया है इसकी जो बैंक में डिपॉजिट करता है पर मंथ मतलब इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 300 रुपीज़ की है, 300 रुपीज़ की है, टाइम एन की वैल्यू कितनी दी है इसने हमें, ये कह रहा है कि 2 ईयर्स के लिए करता है, तो 2 ईयर्स का मीन्स कितना हो जाएगा 24 मंथ्स, तो 24 मंथ्स के लिए करता है ये, और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है इसकी, मैच्योरिटी वैल्यू है 7725 रुपये मैच्योरिटी वैल्यू, ओके एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ द इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फिर मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू किसके इक्वल पी इंटू एन प्लस आई के, मैच्योरिटी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 7725, पी की वैल्यू रखेंगे 300 इंटू एन की वैल्यू 24 प्लस आई की वैल्यू फिर वही रखेंगे पी इंटू एन, एन प्लस 1 और डिवाइड में कितना 2 इंटू 12 और इंटू आर अपॉन 100, इसको यूज़ करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर माइनस कर लेंगे 7725, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 72 आ रहा है, 7200 ये आ गया हमारा, फिर प्लस पी की वैल्यू कितनी है 300, एन की वैल्यू कितनी है 24 और ये आएगा 25 अपॉन 2 इंटू 12 और आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, देखो अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, 20 से 20 कैंसिल हो रहे हैं, 12 से ये कैंसिल हो रहा है 2 और ये 2 से 2, इसको इधर माइनस कर देंगे 77, ये तो और भी सिंपल हो गया हमारा 7200, ओके अब यहाँ पर करेंगे हम इसको, यहाँ पर क्या करेंगे इसमें हम ये 3 इंटू 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा आर, ओके अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 5, ये 5 और यहाँ पर 2, ये 7, 2 में 0 2, 7 में से 2 कितना आ जाएगा हमारा 5 और 7 में 5 0, मतलब ये आ गया हमारा हमारी वैल्यू इंटू 3 इंटू 25 इंटू आर, अब इस वाली वैल्यू को इनको डिवाइड में लेके आएंगे हम 525 और डिवाइड में कितना, डिवाइड में 3 इंटू 25, क्या है 3 से कैंसिल हो रहा है, तो देखो 3 से वो वैल्यू कैंसिल होती है जिसका सम 3 से डिवाइड हो जाए, जैसे हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं, कैंसिल होगा या नहीं, तो हम क्या करना है इन सभी को प्लस कर दो, 5 और 2 7 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12 होगा, 12 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये वाली वैल्यू भी 3 से डिवाइड हो रही होगी और ये हो भी रही है हमारी, देखो कैसे 3 1 3 2 कैरी 3 7 21 फिर 1 कैरी 3 5 कितना 15, अब 25 से क्या ये कैंसिल होगा, ये तो होगा ही दोनों 5 5 से, पहले आप 5 से कर लो या 25 से नहीं कर पा रहे हो, तो वैसे 25 8 200 होंगे, तो मतलब 27 जा इसको 7 टाइम्स में कैंसिल कर रहा होगा हमारा, तो 7% क्या हो जाएगी आर की वैल्यू, सिंपल ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, इसका 6 कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है देखो अमित डिपॉजिट 150 रुपीज़ पर मंथ इन अ बैंक, मींस पी की वैल्यू गिवन की है 150 रुपीज़ फॉर 8 मंथ्स अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सिर्फ एन की वैल्यू 8 मंथ्स है हमारी, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इस डिपॉजिट, सिंपल क्वेश्चन है, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा
8% पर एनम है। एंड आगे बोला इसने कुछ, आगे कह रहा है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट कहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है? एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड ऑफ एवरी मंथ ही कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल, आपको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। कंफ्यूज कर रहा है इस लाइन को देखकर, ये कुछ भी नहीं है। तो मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि आप क्या करते हो, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई लगाते हो। लेकिन इसमें पी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, आई नहीं पता। तो सबसे पहले हम आई निकालेंगे, या फिर आई को इसमें ही पुट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आई को अलग से फाइंड करो। तो अगर हम इसमें कर रहे हैं सोल्व, एन की वैल्यू 8 प्लस आई की जगह रख रहे हैं पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100 और यहाँ पर 2 इंटू 12। ओके, ये कितना होगा 120 थे 1200 हो जाएगा। प्लस पी की वैल्यू कितनी है 150 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है 8 और ये 8 प्लस 1 9 हो जाएगा और इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 8% और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 इंटू 12, क्योंकि ये सभी वैल्यू डिवाइड में काउंट की जाएंगी हमारी। ओके, अब सोल्व कर लेंगे इसे। जैसे 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 2 से 2, 3 से 3, 3 ज़ा 9। ओके, 10 से 10 कैंसिल, 5 थ्री ज़ा और 5 टू ज़ा 2, 4 ज़ा कैंसिल हो गई वैल्यू, हो गया क्वेश्चन 1200 प्लस 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 12, 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 12 थोड़े ना होते हैं, 36 होते हैं। तो 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। क्या 1236 इसका आंसर आ रहा है? हमारा 7th क्वेश्चन है ना ये, 1236 इसका आंसर आ रहा है। सही है, इसका मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू हमारी बस इंटरेस्ट इसे कितने का मिल रहा है, सिर्फ ओनली 36 रुपीज़ का। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा सिंपल। इसी टाइप से हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे गाइस। ओके, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, आगे वाली लेक्चर में आप इसको कंप्लीट कराएंगे हम। ओके गाइस, तो आपने अगर अदर वीडियोस नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें, हम भी आपको पूरा हेल्प करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।